जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो अरिहंतानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसा नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। कल अपन ने अत्यंत भाव की चर्चा की थी, अब आपकी पंगा से याद है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में ना होना, इसका नाम अभाव है। जब है ही नहीं तो उसे कर भी नहीं सकते, भोग भी नहीं सकते। कल हमने यहां तक चर्चा की थी, पानी में से घी का अत्यंत अभाव, बहुत दृष्टांत दे सकते हो। नमक में से मिठास का कितना थोड़ा, बोले समय शिखर जी में जाकर अपन शक्कर की जगह नमक डाल दें तो क्या हो जाएगा? बोलो क्या होगा, क्यों खा रहा, क्यों होगा? पारसनाथ भगवान है, चंद्रपुर भगवान है, बहुत सारे भगवान है वहां तो उनकी पवित्र भूमि में नमक क्या करने लगेगा? बोलो शक्कर का काम करने लगेगा कि ना? क्यों? क्योंकि अत्यंत अभाव है। बहुत चर्चा की थी जैन दर्शन की प्रामाणिकता बीत रात्रा से नापी जाती है। आज का प्रवचन प्रारंभ, जैन दर्शन की प्रामाणिकता कैसे नापी जाती है? बीत रात्रा से। एक बार बोलो, बीत रात्रा से प्रामाणिकता कैसे नापी जाती है? बीत रात्रा से। अभी बीत रात्रा क्या है, प्रामाणिकता क्या है, ये मैं बताता हूं। हम जो सिद्धांत पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये सही है कि गलत है आप कैसे जांचोगे? हो सकता है आपको लगे पंडित जी आप ऊँचे ही कह रहे, हमें तो दुनिया में सुख दिखाई दे रहा खाने पीने में, और आप कह रहे है ही अत्यंत अभाव। हमें तो जब टीवी देखा तो ऐसा लगा मजा आ जाता है, क्रिकेट का मैच देखते हैं IPL मजा आ जाता है, तो आप कह रहे मजा ही नहीं आता। तो हम नापेंगे उसको, सुख किसे कहते हैं कि जिसे अनंत काल भोगा जा सके। IPL कितने घंटे देख सकते हो कंट्री? नहीं हम कंटिन्यू दिखाएं, बोलो कंटिन्यू कितने कितने कितनी फिल्में देख सकते हो कंटिन्यू? बोलो तो ये सुख नहीं हो सकता, क्योंकि सुख में थकान नहीं होती, सुख में कष्ट नहीं होता, सुख में बोरियत नहीं होती। तो बताओ रसगुल्ला खाने मजा आता है तो हम 1 करोड़ रसगुल्ला खिलाएंगे, खाओ भाई। रसगुल्ला खाने में सुख है, 1 रसगुल्ला खाने में 1 गुना सुख, और आनंद रसगुल्ला खाने में आनंद सुख, गड़े रहे ना लगा हुआ। बताओ आप, बताओ यदि कमाने में सुख है तो दिन भर दुकान पे बैठे रहो करते रहो। अब लगा प्रैक्टिकल है, नहीं तो भ्रम बता रहे। आत्मा का सुख में कभी बोरियत नहीं है, आत्मा के सुख में कभी कष्ट नहीं है, कभी तृप्त नहीं होगे आप, थक नहीं जाओगे। 5 इंद्रिय के विषयों में तो थकते हैं आप, लेकिन आत्मा के अतिरिक्त सुख में कभी थकते नहीं। सुख का लक्षण तो फिर कसौटी लगाते हैं, पर कसौटी बीत रात्रा की। बीत रात्रा मैंने जिसमें जिस उपदेश से राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो, वो उपदेश सच्चा है। क्या बोला हमने? जिससे राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो, माने बीत राग मतलब राग द्वेष नहीं होना, वो उपदेश सच्चा है। हम अत्यंत भाव के कल के प्रवचन को सिद्ध करके बताना चाहते हैं कि वो सच्चा है। कल तक हमने ये कहा था कोई हमें सुख नहीं देता,
सुख नहीं देता कहीं, ऐसा सुनकर तुम्हें लगेगा कि द्वेष हो जाएगा। पत्नी सुख नहीं देती तो पत्नी से द्वेष, बच्चों से सुख नहीं होता तो बच्चों से द्वेष, दुकान से सुख नहीं होता तो दुकान से द्वेष, तो द्वेष खड़ा हो गया ना, तो आपका उपदेश तो झूठा है। क्योंकि कल के प्रवचन सुनकर तो ऐसा लग रहा था कहीं सुख नहीं है। हालांकि आपने ध्यान दिया होगा, हमने आज भी आखिरी में कहा था आत्मा सुखमय है, लवालव है, सुख से लवालव है। दृष्टांत याद है कल का, सिद्ध भगवान अपना सुख डाले कहां, भरे कहां, भरे तुम पहले तो भरे हो। और आज सुबह भी इसकी चर्चा कर ली, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे अपन, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दूसरी बात कह रहे, तो अभी आपको क्या लग रहा था कहीं से सुख नहीं होता तो उनसे द्वेष होगा, तो अब हम कह रहे कोई सुख कराएगा तो राग उत्पन्न होगा, कोई दुखी करेगा तो द्वेष उत्पन्न होगा। फार्मूला क्या बोला हमने, कोई हमें सुखी कर दे तो राग होगा, पक्की बात है। जो चीज हमें सुख देगी उससे राग होगा, पक्की बात है, और जो चीज हमें दुख देगी उससे द्वेष होगा। तो अब हम अत्यंत भाव सिद्ध कर रहे हैं आपको, अत्यंत भाव में वितरागता की सिद्धि। अभी तक हमने कल कहा था कोई सुख नहीं देता इसलिए वो राग नहीं होता, लेकिन आज की चर्चा सुनो, कोई तुम्हें दुख नहीं देता। कल रात में कहा था आठ करोड़ भी दुख नहीं देते इसलिए द्वेष नहीं होगा। फिर से बोलू प्रैक्टिकल चर्चा थोड़ी सी, कल इतनी बात तो याद है, कर्म दुख नहीं देते जी, पाप भाव से दुखी होते हैं, पाप की वजह से भी दुखी नहीं होता। कल ही चर्चा बहुत हुई थी इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहे, हम आगे बढ़ रहे। ध्यान से सुनना, आज तक एक भी आदमी पत्नी से दुखी नहीं हुआ, आज तक एक भी आदमी जहर से नहीं मरा, नहीं मरा, मरा कितने आदमी मरे जहर से? बोलो भाई, जहर किसी को नहीं मारता। आज तक एक भी बाई अग्नि से नहीं जली, रोटी बनाते समय जली कि नहीं जली बोलो। अरे पंडित जी घर में जाकर देखो, हमारी मत आई तो कब जल जाते, कई बार जल गई रोटी बनाए बनाए कि देखो अग्नि ने नहीं जलाया। और एक फैसला करो, हम एक दृष्टांत दे रहे हैं आपको, फैसला करना, तुम्हारी वजह से लंबा दृष्टांत दे रही, वैसे हमारा छोटा दृष्टांत था लेकिन अब लंबा कर दे रही। भाई रोटी बना रही थी तो तवा गर्म होता तभी रोटी बनती, ठंडे पे तो बनती नहीं, सो गर्म तवा था, सो उतार के नीचे रख दिया और फटाफट काम कर रहे थे, बर्तन मांज रहे थे, सो उठा के रख रहे थे बाहर, सो भूल ही गए कि प्याल उतार के रखा तवा, और गर्म गर्म तवा पकड़ लिया बर्तन मांजने के स्थान पर रखने के लिए, गर्म तवा पकड़ लिया, तो हाथ जलेंगे कि नहीं जलेंगे, जलेंगे। कौन ने जलाया, जोर से बोलो, कौन जलाया, तवा ने जलाया। अब महिलाएं आई, उनके महिलाएं आई तो पट्टी मट्टी मारी, दवाई लगाई थी, खासी जल गई, अजय तवा से जल गए, कौन ने जलाया, तवा ने कि अग्नि ने? फैसला करो, तवा ने जलाया कि अग्नि ने जलाया कि गलती ने जलाया? अब मान लो अपन पहला उत्तर सही मान लेंगे, तवा ने जलाया, तो एक काम करो, अपने पैसा से लाया हुआ तवा अपन उसके मालिक, अब अपने को जलाए तो रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए इसे, ऐसे तवा को क्या करना चाहिए, जोर से बोलो, फेंक देना चाहिए। कौन कौन ने फेंका, हाथ खड़े करो, बोलो कोई नहीं फेंका होता, पंडित तवा की क्या गलती, गलती तो बच्ची पकड़ा ना, जीव अपनी गलती से जलता है, तवा नहीं जलाता, अग्नि भी नहीं जलाती, और नहीं तो गैस को सिलेंडर फेंको, कसम खाओ आज के बाद हमारे घर में गैस नहीं जलेगी, अग्नि नहीं जलेगी, खाओ। पंडित अग्नि की क्या गलती और तवा की क्या गलती, पॉइंट पकड़ना है बस। अब हम फिर कह रहे हैं जहर ने किस किस को मारा, जहर ने आज तक किसी को नहीं मारा, अग्नि ने किसी को नहीं जलाया, एक दृष्टांत दे रहे हैं समझाने के लिए, सरल दृष्टांत, बस इसके बाद फिर पॉइंट बदलेंगे हम, क्योंकि निश्चित समय में अपने बहुत बड़ा विषय पूरा करना है। रावण को कौन ने मारा था बेटे, लक्ष्मण ने कि राम ने? हिंदू लोग कहते हैं राम ने मारा, अपन कहते हैं लक्ष्मण ने मारा, ठीक सही है कि गलत है?
बोलो भाई, लक्ष्मण ने मारा कि राम ने? लक्ष्मण ने, बदलना मत उत्तर, लक्ष्मण ने मारा। अब हम पूछ रहे लक्ष्मण ने मारा कि रावण के स्वयं के चक्र ने मारा? अब याद तुम कह रहे लक्ष्मण ने मारा, अब कौन ने मारा? रावण के पुण्य के उदय से प्राप्त चक्र ने मारा। लो और एक कदम आगे चल रहे, आयु कर्म से मरा कि चक्र से मरा कि लक्ष्मण से मरा? अब तो तीन हो गए तुम्हें उत्तर। हम फिर कह रहे आयु कर्म से मरा, लक्ष्मण से मरा, चक्र से मरा कि अपनी गलती से मरा? गलती गलती ना, वो सीता का किडनैप करता और ना कोई मारता, लौटा देते भले आदमी ले आए थे कोई चीज, लौटा देते ले जाओ ले जाओ। अब देखो चार उत्तर हो गए, चारों उत्तर सही है और जय जैन दर्शन का श्रेय द्वार। अब हम फिर कह रहे लक्ष्मण ने नहीं मारा, चक्र ने नहीं मारा, उसकी गलती ने मारा। चरणानियों कहेगा गलती ने मारा, करणानियों कहेगा आयु ने मारा, प्रथमानियों कहेगा कि लक्ष्मण ने मारा। प्रथमानियों की स्टोरी कहेगी लक्ष्मण ने मारा, और द्रव्यानियों कहेगा तस समय की योग्यता से मारा गया, अपनी भूल से मारा गया। जैसा चार अनियोग है, पॉइंट पकड़ में रहे। अब हम फिर पूछ रहे बताओ आज तक किसी को जहर ने मारा कि नहीं मारा? जहर ने नहीं मारा, खान खाया है वो मरा है। अब मैं वापस आता हूं, आज तक कोई पत्नी से दुखी नहीं हुआ? पंडित जी हमारे गांव में चलो बता दे रहे कितने लोग दुखी हैं। रुक जाओ, पत्नी से कोई दुखी नहीं है, सब अपने अपने राग से दुखी है। क्या से दुखी है? राग से। बच्चों से दुखी कोई नहीं है, पड़ोसी से दुखी कोई नहीं है, कर्मों से दुखी कोई नहीं है। हाँ, जीव अपने अज्ञान से दुखी है। तो ऐसा कहकर क्या कहना है? अभी तक तुम्हें लगता था ये मेरे शत्रु हैं तो तुम्हें द्वेष होता था, अब द्वेष नहीं होता। ये हमारे हितेशी हैं ऐसा जानकर राग होता था। सुनो, कोई तुम्हारा हितेशी भी नहीं, पंच परमेश्वरी भी तुम्हारा भला नहीं करेंगे, इसलिए उनसे भी राग नहीं हुआ, और इसलिए पुत्र आदि हमारा बुरा नहीं कर सकते, उनसे द्वेष नहीं रहा। एक चरम दशा ऐसी आई, आत्मा ही आत्मा को भूल कर शत्रु हो जाता है स्वयं का, अहित कर लेता है, और आत्मा ही आत्मा को जानकर अपना हित कर लेता है, इसलिए परद्रव्य का राग द्वेष खत्म हो गया। ये वीतरागता हो गई, घड़ी संग है, ये वीतरागता हो गई। चलो अब तो आ गया, कठिन तो नहीं लग रहा, नहीं समझ में आए पूछना बेटे, आगे चलो। बहुत सुंदर चर्चा करना है अपने को, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, नाम बोलो जरा, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, एक बार बोलो जरा, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, एक बार और बोलो। बस मेरी तीन उंगलियां देखो तो एक मिनट के अंदर मेरी परिभाषा पूरी हो जाएगी। जैसे आपको पहली दो परिभाषाएं याद हो गई है ना, ऐसी ये परिभाषा भी याद हो जाएगी। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना अभाव, और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में नहीं होना ये अत्यंत बराबर। अब सुनो मेरी तीन उंगलियां देखो फटाफट, एक बार बोलूंगा और आप पकड़ लेना। वर्तमान पर्याय, भूतकाल की पर्याय, भविष्यकाल की पर्याय, तीन पर्याय हो गए, वर्तमान भूतकाल और भविष्यकाल। ध्यान से सुनोगे, एक ही बार बोलूंगा, इधर देखो हीरो, एक ही बार में आप जाएंगे ऐसे बढ़ जाए बढ़िया सीधे। वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव, इसका नाम प्राग भाव। वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव, इसका नाम बोलो, कौन बोलेगा? अब शॉर्ट में बोलो तो वर्तमान का भूतकाल में अभाव, और वर्तमान का भविष्य का अभाव, ये प्रध्वंसा भाव। कौन कोई याद हुई बच्चों में से? अरे गुड, खड़े हो बेटे, दस का नोट लाना भैया कल। हाँ, अभाव उसका नाम प्राग भाव, और प्रध्वंसा भाव, अरे उसे बोल रहे पढ़ के हम बोलो, वर्तमान का हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छी हिम्मत करी, वेरी गुड। कल दस का नोट देंगे तुम्हें, ला गए ना, ला अभी नहीं हम देंगे, हमारे पास बैंक खतरे तुम्हारे अच्छे नहीं।
सुन ना, याद हुआ वर्तमान पर्याय का भूतकाल के पर्याय में अभाव प्रागभाव, और वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव प्रद्वंसा भाव, बराबर। मैं इतनी परिभाषा, इससे ज्यादा नहीं, इतनी पढ़ाएंगे आज बस। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो, आप इसका प्रयोग, दुनिया का दी बेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं हम आप, दुनिया का दी बेस्ट, इससे अच्छा कभी मिलेगा ही नहीं आपको, आप समझ नहीं इस चीज को। वर्तमान का भूतकाल में अभाव है, बराबर। इसका मतलब है वर्तमान को भूतकाल के चक्कर में खो मत, क्यों? क्योंकि वर्तमान में भूतकाल के लिए रोओगे तो वर्तमान भी खो दो गया। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? वर्तमान में भूतकाल को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन खोया जा सकता है। क्या बोला हमने? वर्तमान में भूतकाल को सुधार नहीं सकते, लेकिन उसके देख देख करके, उसे देख देख करके, उसका लक्ष्य कर करके वर्तमान को खोया जा सकता है। जैसे एक सरल दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल दृष्टांत, प्राग भाव का दृष्टांत। एक आदमी को 10 दिन से भोजन नहीं मिला, तो अपने दरवाजे पर आया, घर पे आया, तो अपने बड़े प्रेम से कहा, भाई बैठो, कोई बात नहीं, बैठो, भोजन करो, तैयार है भोजन, बहुत स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया बढ़िया खीर पूड़ी हलवा, और क्या अच्छा लगता कोई परसे, बोलो बोलो क्या अच्छा लगता, राय तो भी अच्छा लगा कोई परसे, और सब चीज परसे। अब वो रोने लगा, रोने लगा, बोले क्यों? कहा बताएं 10 दिन पहले काका के घर गए थे, उनने तक नहीं पूछो खावे के लाए। 9 दिन पहले उनके गए थे मामा के घर, उनने भी नहीं पूछो। 8वें दिन उनके घर गए, 7वें दिन उनके घर गए, एक एक रामायण सुनाई उन्हें। अब ये बताओ, ये गर्मा गर्म भोजन है, भूख लग रही 10 दिन से, तो खाना चाहिए कि 9 दिन की 10 दिन की रामायण सुनाना चाहिए? दृष्टांत समझ में आया? ये दृष्टांत समझ में आ गया? हम अब घटा के बता रहे थे, आज तक तुम्हें सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम पुराना काल याद करते हो। जो भूतकाल को रोते हैं, भूतकाल की यादें करते, चार आदमी बैठ जाए ठंडों में, बता रही ठंडा गोरसी चलेगी घर घर, बैठ जाए मोहल्ला के चार आदमी, चार महिलाएं, और कैसे हाथ आप रही गुर्सी, गुर्सी जलती नहीं जलती है कहा, तो कहां से कहां स्टार्ट हो कहानी। और रात की 1 बज गई, 12 बज गई, और एक बार बारात में गए थे भैया, और यहां सब पानी बरसों भेजा। बता भीड़ भड़क का हम लोग गिलास ही रहेगा, हम मंदिर करने चलेगा चेहर त्याल है, तब तक सबके तिलक हो गए, पर हम रहेंगे, हम लोग गिलास ही मर गए, 8 रुपया वो गिलास 20 साल बाद भी। मैं कुछ कह रहा हूं आपको, इसको आपने हिंदी की कहावतों में सुना होगा, मैं 2-4 कहावतें सुनाता हूं, भाई सांप निकल गया लकीर पीटने से क्या फायदा। एक कहावत, बीती काई निसारिये आगे की सुध ले। समय दर्शन करना हो तो ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती होती है। अब ये प्रोफेशन में कोई पहली बार आया हो, आज नहीं आए, पहले कभी नहीं आए, आज आए पहली बार, और बहुत अच्छे प्रवचन लगे, तो बीच आए ना वो नया से नया व्यक्ति जो पहली बार सुन रहा है, अब भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो एक गलती कर जाएगा, ओ हम तो जन्म से सुन भी नहीं आए, कभी 10 लक्षण तक में नहीं आए, कभी तारण जयंती तक में नहीं आए, हम तो भैया इनने खूब कही तो नहीं आए, हम भी पत्नी इतनी धर्म आत्मा है, उनने तक खूब कही, हा खाई हम नहीं गए। जबकि वो चाहे तो वर्तमान में सम्यक दर्शन कर सकता है, लेकिन वो भूतकाल को याद कर करके रो रो करके उसने अपना वर्तमान खराब कर दिया। बहुत बड़ी रामायण सुना रहा हूं आपको, भगवान की समोसरण मिले हमें, भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनी हमने, उसी समय भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि तमे परमात्मा छो, ये भगवान ऐसी बात हमने निगोद में नहीं सुनी, नरक में नहीं सुनी, सच्ची बात है, बांधा में नहीं सुनी। अरे भैया नहीं सुनी, अब तो सुनी, नहीं सुनी, अब तो सुनी ना,
लेकिन नहीं, भूतकाल का रोना रोना सुनने जैसी बात है, बहुत मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक दूर करने की है। एक कहावत और सुनी होगी, गड़े मुर्दा नहीं उखाड़ने चाहिए। गड़े मुर्दा समझ गए, गड़े मुर्दा प्रागभाव का फायदा, फायदा क्या है बताओ। लेकिन नहीं भाई, कुर्सी जला के बैठेंगे। और एक महिला ने दूसरी महिला से कहा, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छा काम कर लेती है, कैसे बड़ी घर संभाल लिया उसने, कितना अच्छा कर दी। हाओ परमेश्वरी जब आई आई थी तो बहुत ब्यासी थी, पेटी में तारो लगा लेती, साड़ी तक नहीं देती, अपना अपना करती, अपना अपना जो हमा ओवन जो हमा कुकर से करती। और फिर एक दिन खिचड़ी बनाई 10 साल पहले, बाहर गई मन का कमा ले, 10 साल पहले की खिचड़ी अभी तक बदबू दे रही है। महिला ने क्या कहा था, वर्तमान की तारीख, वर्तमान तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, देख कितने अच्छे से रह रही, कितने अच्छे से कर रही। लेकिन आप देख लेना, आपको आनंद वर्तमान में क्यों नहीं आता, क्योंकि आपको भूतकाल की याद आती है। और ये अनादि की कुटेव है, कुटेव। और आचार्य देव ने उस कुटेव पर एक बम पटका, समझो क्या कर रहे थे हम, वर्तमान में तुम आत्मकल्याण कर सकते हो, वर्तमान में खुश रह सकते हो, सुखी हो सकते हो, धर्मात्मा हो सकते हो, धर्म कर सकते हो, तुम भूतकाल की ओर देखे मौका चुक रहे हो। बट फिर से मैं पूछता हूं, वो 10 साल पहले खिचड़ी कैसे सुधारी जाए कि वो सासू को बोलना बंद हो जाए, विधि बता बताओ क्या करे बताओ। वो 10 साल पहले खिचड़ी सुधर जाए क्या करे बताओ, वो पेट में ताप लगा हुआ तो आते सही, तब कैसे खोले 20 साल पुरानी पेट को ताप कैसे खोले जो बता। वर्तमान सुनना ध्यान से, वर्तमान का आनंद भूतकाल की चिंता में बेखुजिन खो रहा है। अभी दृष्टांत दिया था भोजन करो ने, लेकिन नहीं वर्तमान का भोजन रखा है, भूतकाल की रामायण सुन सुन याद कर करके दुखी हो रहा है। सही कहता हूं, फिर से कहता हूं आपको, भगवान की दिव्य ध्वनि इतनी समर्थ है, कोई नया जीव, नया जीव पहली बार आए और एक सेकंड जिनवाणी सुने कि तुम भगवान आत्मा हो, ये देह नहीं हो, इतने में समय का समझाया उसे, तुम परमात्मा हो, तुम्हें कुछ कमी नहीं है, तुम बेकार में भटक रहे हो, इतनी सी बात सुन करके उसका काम हो जाए। जैसे कोई आदमी कोई चीज ढूंढ रहा हो, मैच मैच होता है ना, कोई खेल होता है, कोई बात होती, अब उसको कोई चीज नहीं मिल रही खेल में, कोई सी वो कोई इशारा कर, ऐसे इशारा कर दे वो एकदम हाँ और जीत जाए, वो इशारा समझ जाए, जितनी भी ध्वनि इशारे वाली है। तुम अपने को क्या मान रहे थे, हम तो तुम्हें भगवान कह रहे, अब बोलो तुम क्या मान रहे हो, बोलो जी। ऐसी समझ में आए सही समय कसम हो गया, लेकिन भूतकाल के चक्कर में नहीं होता। प्रवचन समझ में भी आ जाते हैं लोगों को, सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, रट भी लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन वो भूतकाल की कुटेव कुटेव। पंडित जी अब तो सब सही है, खैर जैन धर्म मिल गया, अनंत भवों के पुण्य के फल में अच्छो मिल गया सब कुछ, परंतु पंडित जी पहली ढाल तो पढ़ो, पहली ढाल तो पढ़ो पहली ढाल। पंडित जी काल आनंद निगोद मंझा बीत्यो एक तन धाल। फिर लंबी रामायण, वो फिर तिल तिल करे, फिर फला करे, फिर पानी नहीं मिलता था वहां पीने को, और क्या नहीं मिलती थी वहां, अनाज नहीं मिलता था खाने को। भाई ये तो बच्चों को समझाने के लिए कही थी, तुमने तो समझाने के लिए थोड़ी कही थी बात, बच्चों को समझाने के लिए, बच्चे मैंने जो अज्ञानी होते हैं उन्हें समझाने के लिए। हम एक बात पूछ रहे, नरक के दुख क्या है बेटे, खाने और पीने को नहीं मिलता पक्का, अच्छा हम टिफिन भिजवा देंगे तुम जाओ। बोलो भैया कौन कौन जाने चाहिए आ रहे नरक, बोलो हम व्यवस्था कर देंगे खावे की, चलो। ये तो समझाने की बात है, सुनो आचार्य देव कह रहे तिल तिल करे देह के, देह के तुम्हारे कहां खंड होंगे, तुम देह हो कि आत्मा हो, तुम कौन हो जितना की करो देह होगी आत्मा, देह के खंड खंड करे तुम्हें थोड़ी करे, क्यों तुम तुम्हें आतंकवादी पकड़ ले जाए दृष्टान से ले नहीं जाए दृष्टान आतंकवादी पकड़ ले जाए और फिर तुम्हारी बहुत फाड़ फाड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर ले, तो तुम खुश हो गए दुखी हो गए,
बोलो भाई, नहीं समझ में आई कैसी वही बात? तो मैं साहब छोड़ रहा जगह कम है, बुस्सेट फाड़ी उन्होंने, बुस्सेट फाड़ फाड़ टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन तुम्हें साबुत रहता। आतंकवादी चाहता तो गोली मार देता तुम्हें, आतंकवादी चाहता तो टुकड़े टुकड़े कर देता तुम्हारे। बताओ भैया तुम खुश होके आओगे वहां से कि दुखी होके? ऐसे खुशी खुशी लौटेंगे पंडित जी, सुनना ध्यान से, मालूम कैसे खुशी खुशी आओगे? पंडित जी उन्होंने हमें धक्का तक नहीं लगा, धक्का तक समझते हो कि नहीं, छुआ तक नहीं, और बुस्सेट फाड़त रहेगी, बुस्सेट फाड़त रहे और फिर हमें निकाल दिया। बोल खुश हो गया आओगे, दुखी हो गया ऐसे तिल तिल करे, बुस्सेट मैंने देखे खंड खंड हुए, हम अखंड आ रहे। आत्मा इतना साबुत आया है अनादिकाल से भटकता हुआ, दुखी होता हुआ, पिटता हुआ, कि सिद्धालय में जाएगा तो 100% आदिनाथ भगवान के समान जाएगा, पूरे असंख्यात प्रदेश लेकर जाएगा, अनंत गुण लेकर जाएगा, अनंत सुख लेकर जाएगा, इतनी सी भी कमी नहीं आई। खुश नहीं होना चाहिए? बोलो, तुम्हारा सोने का घड़ा हो, सोने का घड़ा दृष्टांत, सोने का घड़ा 10 किलो का ऐसा बड़ा भारी घड़ा, और आतंकवादियों ने वहां खूब लट्ठे लट्ठे मारे, सब दुजियाल होगा, दुजियाल तो समझते होंगे इधर पड़ के मांगता है, लेकिन उन्होंने रखा नहीं अपने पास, तुम्हें दे दिया, ले जा ले, ये तो चलो चार सही बता, तुम खुश हो गए तो भी हो क्या? नहीं, 10 किलो सोना तो बस गया, दोचा लगे तो क्या फर्क पड़ा, सोने में क्या फर्क पड़ा? जितने दोचा पड़े उससे हमारे सोने की कीमत कम हुई नहीं? आके हम सोना बेच देंगे फिर घड़ा बनवा लेंगे, दृष्टांत। ऐसे ही पर्याय में तो दोचा पड़े लेकिन मेरे ध्रुव में, मेरे ज्ञान में, मेरे अनंत गुणों में कुछ नहीं हुआ, बस खुश हो जा। अब ऐसे पढ़ने की जरूरत है, लेकिन पूरा अर्थ नहीं समझती नहीं महिलाएं, तो हमारे यहाँ साइड में खनिया धाना साइड में कह रहे बुंदेलखंड में तो तुम ही लोग है ना, तो हमारे खनिया धाना साइड यहाँ से बैठ जात महिलाएं गा रही फिर रो रो के, और फिर बात के पंडित जी तो बहरा गाज पहली धार बैराग माने दुख नहीं होता, बैराग माने आनंद होता है। क्या कहा? बैराग मतलब दुख नहीं होता, आनंद कहलाता है बैराग। लेकिन वो दुखी हो गए, छुट्टी हो गई, बस अदर तो ये नहीं करना। चलो आगे चलो, इतनी बात होगी पूरी। असल इसकी सेटिंग कुछ बदली क्या बात? देख लो भाई, हो जाए तो मास्टर मास्टर जो तुम्हारा होता हूं नहीं समझते। सुबह बहुत अच्छी आवाज आ रही थी, अभी कुछ गड़बड़ है इसकी, जो भी हो जरा ध्यान से सुनो। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब ये अपन ने प्राग भाव की बात ली थी, प्राग भाव, अब ले लो प्रध्वंस भाव, वर्तमान का हाँ भविष्य की पर्याय में अभाव। क्या बोला? वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, इसका नाम क्या हुआ? प्रध्वंस भाव। अब सुनो ध्यान से, जैसे वर्तमान पर्याय में भूतकाल की टेंशन लेने से वर्तमान बिगड़ जाता है, ऐसे ही वर्तमान में भविष्य की टेंशन लेने से भी वर्तमान बिगड़ जाता है। वर्तमान में जीना सीखो, ये जैन दर्शन का सिद्धांत कह रहा है, वर्तमान में जीना सीखो। आप भविष्यकाल की कहानी सुनाई तो उसने 10 दिन की रामायण सुना दी, वो रोने वाली, खाई नहीं मिठाई रोटी, सामने भोजन रखा था वो नहीं खाया, तो हम ये दद्दा अब 10 दिन की कहानी खत्म हुई, अब तो खाओ। तो फिर रोने लगी, कल कौन दे तो भैया कल भी नहीं जेल ही हूं करो को दे अरे 1 महीना बाद, अरे 1 साल बाद। जी आदमी को रोने की, अब सुनो कुछ कह रहे, जिसे रोने की आदत है उसे भगवान भी सुखी नहीं कर सकते, ये कह रहे। अब जो उसकी कहानी मत समझ ना, अपनी है ये कहानी। कई बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं, पेपर कैसे आएगा कल, पेपर कैसे आएगा, लगा थे पेपर बहुत कठिन आएगा फिजिक्स को, ये भगवान ये भगवान फिजिक्स को पेपर सरल आ जाए सरल आ जाए, ये तो पढ़ दो कई बार ऐसा हो जाता, पेपर सरल भी आया लेकिन ये चिंता चिंता पढ़ ही नहीं पाया,
बहुत कठिन आता है, बहुत कठिन आता है, बहुत कठिन आता है। अरे तो पढ़ता हो, मतलब पढ़ना चाहिए, कल की चिंता करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं आपको कितने बच्चों से मिलवा सकता हूँ, और आप भी घर में देख लेना, नौकरी आजकल मिल नहीं रही, क्या होगा, नौकरी आजकल मिल नहीं रही, पढ़ लिख के हम कर लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, ये हम काम कर लेंगे, क्या फायदा, अभी नौकरी तो मिलने नहीं है, बीएससी कर लो, क्या है आजकल नौकरी तो मिलत नहीं है, ऐसा ढोर तू पढ़ता लोग पढ़ाई के नाम पे नौकरी तो मिलने नहीं है, नौकरी तो मिलने नहीं, बस नौकरी तो मिलने नहीं, तो खाओ भी बस घूम फिर बस ऐस कर लो तन 5 साल, सही में नौकरी नहीं मिलत, कोई समझ आ रहा है कोई आपको, बच्चे लोग समझ रहे हैं, आज की पढ़ाई आज करो, कल की चिंता है, आज का समय खराब मत करो, टेंथ में पढ़ रहे और इलेवंथ की सोच रहे, हमने सुनी इलेवंथ में बहुत कठिन, इलेवंथ में बहुत कठिन पढ़ाई की, और हम भी ये सोलह ही कठिन हमें बस नहीं, हम भी टेंथ में परीक्षा दे रहा है, एमबीबीएस की टेंशन ले रहा है, अभी किसी को मुनि बनना नहीं, लेकिन मुनि बनी, मुनि बना बहुत कठिन है, जंगल बहुत कठिन है, औसर परीक्षा तो बहुत ही कठिन है, हम नहीं बस की नहीं है, ऐसा तुम अभी जा रहे का सम्यक दर्शन तो करो मतलब जिस क्लास में बैठे वहां सम्यक दर्शन तो करो, आप अपन कोई कोई से कहो ये चैत्यालय आया करो, स्वाध्याय किया करो, तत्व अभ्यास किया करो, देखो भैया हम तुम जैसे नहीं है, हम तो करेंगे तो पूरा धर्म करेंगे, आदो आदो नहीं करे तुम लोग बहुत मिलेंगे ऐसे लोग, तुम तो प्रवचन भी करे, इतनी बैरा की बात बगा रहे, इतनी धर्म की बातें करे, और जाके दुकान पे बैठ जाए और पत्नी बच्चों में लग जाए, हमें ऐसा नहीं कर, जिस दिन जाएंगे पत्नी बच्चा कोई की याद नहीं करेंगे, खावे पीएगी बिल्कुल याद नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ऐसे जाएंगे बिल्कुल, जे बेचारे कहूं नहीं जा पा कुछ समझ में आ रहा है भाई, जिस दसवीं में पढ़ रहे थे, दसवीं परीक्षा दे ना, आप ग्रस्त हो तो सटावस से करो, गृहस्थी में रह रहे तो सटावस से करो ना, क्रियाकांड जो तो क्रियाकांड है, तो क्या करोगे, हम इकट्ठा करेंगे, और कई लोगों को यही रहता है, मरते समय नमकरण से नहीं समाधि हो जाएगी, स्वर चले जाएगी बस, ऐसा नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता, यदि यहां से ही होता तो हम लोग भी काग उतनी मेहनत कर रहे होते और एक नमोकार मन की टैप लगा के रख देते कि अंतिम समय में सुन लियो बात, नहीं तो मोबाइल में तो है ही आजकल, तो मरते समय सुन ले, मोक्ष में सारे देवता खड़े होंगे, बेवकूफ नहीं है कि जो मोबाइल से आप समाधि करके आओ है यदि ऐसा ही होता तो आदिनाथ इतनी मेहनत क्यों करते, पारसनाथ इतनी मेहनत क्यों करते, और तारण स्वामी जी को क्या जरूरत थी जंगलों में रहकर के इतनी तपस्या करने की, समझ आया, वर्तमान वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान में भविष्य की टेंशन ले लेके परेशान मत हो, बहुत बड़ी बात है, मैं अभी आपको कम सिखा रहा हूं, पूरी जिंदगी चले ऐसा सिद्धांत है, कितने माता पिता ऐसे होते हैं, बढ़िया है, कोई पुण्य होता है, कोई कमी नहीं, कुछ कमी नहीं है, लेकिन आपने देखना घर घर में टेंशन होती है, घर घर में टेंशन, तुम्हारो का हुई क्या, तुम्हारो कैसे ब्याह हुई क्या, मोनिया मिल नहीं रही जो दो चार हाथी से भी मुसलमान में भग गई अब तुम्हारी नौकरी कैसे मिलेगी, बेटा तुम ढंग से रही हो, अब हम ऐसा चिंता नहीं है, हम नहीं होंगे तो तुम्हारो का हुई है, लगभग लगभग मैं भी ये डायलॉग सुनी, जब तक हम ऐसा कर रहा जो हम चले से याद करोगे, अरे मेरी समझ में नहीं आ रही, मैंने भविष्य की इतनी टेंशन करने से वर्तमान खराब हो रहा है, जी करे बात समझ आ रही बेटे, कठिन तो नहीं लग रही, मैंने वर्तमान में जीना सीखो, अटल बिहारी वाजपेयी ये कविता मुझे हमेशा याद आती है इस प्रसंग में, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे, है तो बड़ी थोड़ी सी 10-12 लाइनों की, लेकिन मुझे ये लाइन उसकी सबसे अच्छी लगती है, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे, तो साहब पंडित जी भविष्य के सपने नहीं देखना चाहिए, भविष्य के विजन क्या, स्वीट ड्रीम
सकता, क्या भविष्य की प्लान नहीं बनाने चाहिए? प्रश्न तो हो ही सकता है ना, बड़ा स्वप्न देखना चाहिए, बड़ा भविष्य का सोचना चाहिए। भैया भविष्य की सुनना, ध्यान से मेरा उत्तर है, ध्यान से उत्तर सुनना। जिनका सुंदर भविष्य होता है ना, वे वर्तमान का एक समय नहीं खोते, इसलिए सुंदर भविष्य होता है। कुछ कहा मैंने, तुम्हें भविष्य बिगड़ने की चिंता हो तो वर्तमान को सुधारो। वर्तमान जिनका सही होता है उनका भविष्य ठीक होता है। क्या कहा हमने? जिनका वर्तमान खराब होता है उनका भविष्य गारंटी से खराब होता है। वर्तमान में जो पढ़ाई नहीं करते गारंटी से फेल होती है। वर्तमान में जो लायकात पैदा नहीं करते भविष्य में पक्के में नौकरी नहीं मिलती। पक्के में कह रहे हैं, पक्के में नौकरी नहीं मिलेगी। भविष्य के प्लान ऐसे नहीं बनाओ कि प्लानिंग बनाते रहो। जैसे हम, मैं अपनी बात बताता हूँ, छठी सातवीं में ऐसे करते थे हम भी, तुम भी करते होगे, तुम देख लेना, नहीं करना ऐसा। हाँ, हमने अपनी गलती बता रही। जब भी हमारा परीक्षा रिजल्ट आता था तो एक ही कसम खाते थे स्कूल से निकलते समय, अगले साल जुलाई से पढ़ने। कितने ऐसे लोग जो ऐसे सोचते हैं रिजल्ट आने के बाद, सोचते हो नहीं सोचते? कितने लोग सोचते हैं, हर बार रिजल्ट निकलता है अगले साल का पक्के से जुलाई से पढ़ने। टेंथ की बोर्ड है ऐसे पढ़ने, लेकिन जुलाई में तो बस्ती में चली जाती है, फिर 15 अगस्त आ जाती है। ये जी सोचते 15 अगस्त आ ही रही है, और तो उनके दिन थोड़े रह जा, फिर अपन 15 अगस्त के बाद पढ़ेंगे। अभी तो पानी वाला तरफ जाओ, जुलाई में भजिया खाओ, मंगोड़ा खाओ आ रहा है। तो जुलाई अगस्त कैसे निकलती है, 15 अगस्त आ गई, फिर 15 अगस्त में 15 अगस्त आ गई, तो बस अगले सप्ताह से पक्की में और चार्ट बना ली, इतने घंटे जी पढ़ेंगे, इतने घंटे जी पढ़ेंगे, इस दिन इंग्लिश पढ़ेंगे, इस दिन बीजे पढ़ेंगे, चार्ट बना ली बिल्कुल। चार्ट रखे, अब कल शादी हो जाए फला की भैया की चाचा की, बाकी बात पढ़ेंगे। अब अभी तो चाची आई आई है, अभी पढ़ भी कम लगा। कुल मिला के वो सरकता सरकता नवंबर दिसंबर में आ जाता है, और नवंबर दिसंबर में फिर कोचिंग करने लगती है, ट्यूशन करने लगती है। कोचिंग करते करते मार्च अप्रैल बीत गई, और फिर वही का वही झगड़ा हुआ, और फिर परीक्षा आई, और फिर रिजल्ट हुआ। अरे यार इस साल भी चूक गए अपन, अगले साल कसम है भगवान की। कुछ कह रहे समझ में आया क्या कह रहे? जो वर्तमान में पुरुषार्थ नहीं करते, मात्र प्लान बनाते हैं। पॉइंट नोट किया जाए, प्लान बनाना पुरुषार्थ नहीं है। भविष्य के बड़े बड़े सपने देखना पुरुषार्थ नहीं है। कितने लोग इसलिए धर्म नहीं करते, देखो भैया बस दुकानदारी में गलत काम तो करते नहीं, और फला में करते नहीं, और रात के अपन खाते नहीं, और पाप करते नहीं है, और गाली देते नहीं है, तो अपन स्वर्ग तो पक्के में रहो। स्वर्ग में जाएंगे वहां से विदेश चले जाएंगे, और वहां से सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन तो ऐसे हो जाए, और फिर वहां से ऐसे आएंगे, और ऐसे ऐसे आ जाएंगे, और मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे। फिर से क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, भविष्य के सपने देखना ये पुरुषार्थ नहीं है। भविष्य का सुंदर निर्माण के लिए वर्तमान बस जी, ये मूल मुद्दे की बात। लेकिन लेकिन दिमाग में खचित नहीं होती जी, क्यों? सही बताना, जब जब अपन स्वाध्याय करने की याद आती है, आप लोग अभी भी ऐसा नहीं करते? और आज तो थोड़े थके हैं, कल पढ़े। और कहा बताएं, आज ये पड़ोसन आ गई से प्राण खा गई, कल से जरूर पढ़े। नहीं होता ऐसा प्लान, क्यों? साथ पढ़ने के मामले में ऐसा नहीं हो जाता? और जैसे जैसे खोल के भी बैठी, सुबह झपकल लगी, कुछ समझ में तो आ नहीं रही, कहा करें अब? देखो अब सही बात है, अपनी बुद्धि कम है, अब जो हो सो हो, भगवान जाने। मैंने मैंने पुरुषार्थ को कितना हल्का ले रही, जी सोचो आप पुरुषार्थ को कितना हल्के से ले रही। एक काम करो, बच्चे का इलाज ऐसे ही करवाते हो आप? बच्चे का इलाज ऐसे ही करवाती है? अब क्या करेगी, आ गई थी पड़ोसन, सब संध्या की रोटी तो बना नहीं पाया, अब कल देगी। ऐसा करती हो? सुनना ध्यान से, हम 5 इंद्रियों के विषयों में एक मामले में भी ढीला नहीं छोड़ते। 5 इंद्रियों के विषयों में ढीला नहीं छोड़ते, केवल आत्म कल्याण के मामले में हम अपने साथ सोतेला व्यवहार करते हैं, और दोष कर्मों को देते हैं।
क्या बताएं पंडित जी, हमारी बुद्धि नहीं है। अच्छा जहां में बुद्धि नहीं है और नरक जावे के लाज बुद्धि है, लड़ाई झगड़ा करवे के लाज हम कबों नहीं भूलेंगे तुम्हारी बात, 50 साल बाद भी गांठ घाट हमें पक्की याद है, कहीं खड़े थे तुम जहीं कही थे तुमने, मैंने गंदी बातें याद रखने लिए दिमाग है और भगवान की वाणी केवल इतनी सी बात याद नहीं रह पाती, सुना ये शरीर तुम नहीं हो, तुम भगवान हो, अपनी कीमत पहचानो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, कहा कि गुरुदेव कहीं गलत तो खाएंगे नहीं, लेकिन अपन उतनी ऊंची क्वालिटी के जीव नहीं है, कैसे रास्ता निकाल लेते हैं बचने के। चलो आप वर्तमान भू भविष्य काल की चिंता में खोना ना है, समझ में आ गई कुछ बात। अब थोड़ी सी फिर से बात कहता हूं, तो क्या भूतकाल की चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए? पॉइंट पकड़ना, प्रश्न बदला है, क्या प्रश्न बोला? भूतकाल की चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ना भूतकाल का चिंतन करना चाहिए, गलतियों से सबक लेना चाहिए, दूसरों के भी भूतकाल से सबक ले लेना चाहिए, नहीं समझे? एक वकील साहब है ललितपुर में, ललितपुर भी यूपी में ही है, तो वकील साहब बोले कि शादी एक ऐसा प्रैक्टिकल है कि करके नहीं देखना चाहिए, दूसरों के प्रैक्टिकल से शिक्षा ले लेना चाहिए। लेकिन लेकिन कैसा मुंह का उदय होता है, सारा जगत भी दुखी दिखाई दे जाए ना, तो जो कहते ना ही हमारे पढ़ने स्पेशल है, हर लड़का हर लड़की यही कहती है मैं ऐसे मुट्ठी में बंद करके रखूंगा, छिंगली पे नाचे हूं और कौन नाचता है भगवान ही जाने, कौन नाचता और कौन कौन कुछ मुट्ठी में बंद रखता है भगवान ही माने। लेकिन लेकिन वो नहीं समझ में आती ये बात, क्यों? दूसरों की भूतकाल से शिक्षा लो, इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है बता सकते हो? अब इतिहास देखा जाए तो प्रागुवा है पूरा का पूरा, लेकिन हमारे यहां भी हम इतिहास पढ़ते हैं रत्मान योग, और दुनिया में भी इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हो, क्यों पढ़ाई जाती है कि सुनो युद्धों में कभी शांति नहीं मिलती, पर स्त्री का हरण करने से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, पढ़ते जाओ इतिहास, सिकंदर को सुख नहीं हुआ, इतनी संपत्ति इतनी लूट मार ये कर, कोई सुखी नहीं हुआ, सुना बेटा अपन भी सुखी नहीं होंगे, उनसे शिक्षा ले लो, पांच एक लाइन में कह रहे हैं हिस्ट्री से शिक्षा ले लो, पांच पाप करने वाला कोई सुखी हुआ हो हिस्ट्री में तो बता दे, और सुनो पांच पाप को तजने वाला कोई दुखी हुआ हो हिस्ट्री में तो हमें बता दे, एक लाइन में पूरी हिस्ट्री बढ़ा दी, बोलो फिर से बोलोगे कौन बोलेंगे, एक लाइन में पूरी हिस्ट्री, पांच पाप करने वाला कोई सुखी हुआ हो तो बता दे, और पांच पाप को तज करके आत्मा में रमने वाला कोई दुखी हुआ हो तो बता दे, पूरा इतिहास सुना दिया प्रथमा को पूरा पूरा। लेकिन लेकिन दुखी जिनको होना है ना दुखी, वे ऐसे दुखी होते, कैसे दुखी हो जाते बोला आपको पता है? आदमी हमेशा नई नई ट्रिक से चोरी करना चाहेगा, शुरू शुरू में पहले से वैसे पकड़े जाते थे, फिर वो आ गई सिस्टम को कैमरा, कैमरे में आने लगी फोटो, तो भी आदमी नहीं डर रहा, रिश्वत देते हुए पकड़े गए वो telka.com में तो भी नहीं डर रहे, आसाराम को डर नहीं लग रहा, ये नहीं लिस्ट पढ़िए। लेकिन मालूम है इन लोगों को हिम्मत कैसे पड़ जाती है अपराध करने की, अपराध करने की हिम्मत कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि 25-25 साल तक 10-10 साल तक अपराध करते हैं, पकड़े बाद में जाते हैं, आज अपराध करें आज ही पकड़ा जाए ना तो कभी अपराध ना करें। लेकिन जैसे आप पढ़ते हो ना राजा राणा छत्रपति, वेरी गुड, और आगे अब से धीरे से धीरे 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 धीरे, चलो ठीक है, अब इसमें काम की लाइन सुनो, काम की लाइन, मरना सबको एक दिन, और मरना सबको एक ही दिन नहीं कहा, मरना सबको एक ही दिन नहीं कहा, एक दिन अपनी अपनी बात। अब मैं इसको यहां से पढ़ाता हूं,
जितने रिश्वत खोर है, भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, पापी हैं, मोबाइल फिल्म देखने वाले हैं, गंदे काम करने वाले हैं, गाली बकने वाले हैं, जितने पाप करने वाले हैं। अब मैं इनके लिए गाने गीत गा रहा हूं, फंसना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। अभी एक संग नहीं फंसेंगे, इसलिए उन्हें जो लगता है हम नहीं फंसेंगे, नहीं नहीं ट्रिक सोच सोच के हम नहीं फंसेंगे। तो नीरव मोदी फंस गया और विजय माल्या फंस गया, मरते मरते एनडी तिवारी फंस गए। पुरानी कहावत सुनी होगी, अखबारों पढ़ी हो पुरानी, उनकी रिपोर्ट कार्ड, इन बच्चों को तो पता ही नहीं हो एनडी कौन है। ये नहीं, और मैं फिर कहता हूं आप बहुत शांति से देखना, फंसना एक दिन, चाहे 10 साल पाप कर लो, 20 साल कर लो, 30 साल कर लो, एक दिन फंस जाता है वो। सद्दाम हुसैन ने 35 साल राज किया, अमेरिका को ऐसे हिला के रखा, नहीं जिस दिन फांसी लगी और जिस दिन अरेस्ट हुआ वो पता ही नहीं लगा, ऐसे ऐसे। ओसामा बिन लादेन जिस दिन अरेस्ट हुआ उस दिन कि पाकिस्तान तक को खबर नहीं, इससे पहले उसे मार के और समुद्र के अंदर दफन ही कर दिया, खबर ही नहीं पड़ी पाकिस्तान वालों को उनके घर में से कौन को ओसामा बिन लादेन को उठा के ले गए। आप क्या सोच रहे हो, आज तक तो पाप करने वाला सुरक्षित रहा नहीं, इतिहास से शिक्षा दे रहे बेटे, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो दूसरों को देख लो पहले, तुम करके मत देखा। आगे बात समझ में आ गई, भूतकाल से शिक्षा लेने वाले समझदार होते हैं। आगे चलो, भविष्य के लिए एक बहुत सुंदर बात कहना है मुझे, आप बहुत सुंदर बात, पहले एग्जाम्पल दे दूं बच्चों के लिए ताकि बच्चे जुड़ जाए, बच्चों के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। समझ लो कोई बच्चा 3 साल से फेल हो रहा है, तो इस साल पढ़ाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, और इस साल भी फेल हो जाए तो अगले साल क्यों करना चाहिए, फिर पुरुषार्थ करो, शॉर्ट में करो फिर पुरुषार्थ करो। ध्यान से सुनना, अनादिकाल से सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो दुखी मत हो, आज सम्यक दर्शन करो, एक प्रागभाव ने बता दिया हमें, इसको हम संस्कृत में कहते हैं नैव नैराश्यम, कभी निराश मत हो, इतनी मेहनत करी इतना पुरुषार्थ किया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज आज करो ना, कितनी बार व्यापार में घाटा हो जाएगी आज तुम व्यापार नहीं करोगे, बोलो बोलो भाई, व्यापारी लोग ज्यादा होंगे यहाँ पे, बोलो भाई कितना घाटा हो जाएगी व्यापार नहीं करें, बोलो फिर करो, और सब आज भी घाटा हो जाए तो फिर करेंगे, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी क्या बोलते हो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी क्या बोलते हो, भगवान के घर देर है, मेहनत करे जाओ, पुरुषार्थ करो, समझाएंगे आपको बात, पुरुषार्थ करो, कभी निराश मत हो, अब कभी डिप्रेशन नहीं आ सकता, स्ट्रेस नहीं आ सकती आपको, कोई टेंशन नहीं आ सकती। जो लोग हताश हो जाते हैं वे आत्महत्या कर लेते, नहीं पंडित जी इतने साल से असफल हो रहे हैं और आज भी असफल हो गए, अब तो मर ही जाऊंगा मैं, है ना, मरना और बड़ी असफलता है, कभी नहीं मरना भैया, ध्यान रखना सभी लोग, कभी नहीं आत्मघात करना, प्रागवा प्रध्वंस भाव का विचार करना। रामचंद्र जी पे संकट आए आत्महत्या नहीं करी, सीता पर संकट आया सीता को जंगल में निकाल दिया आत्महत्या नहीं करी, अंजना को गर्भवती दशा में निकाल दिया, हाँ बोलो आगे, आत्महत्या नहीं की, पार्श्वनाथ पर 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा आत्महत्या नहीं की, लगाते आओ कितने नाम है, इसका नाम है संकटों में भी पौरुष, चाहे जितने संकट आए पौरुष जगाए रखा, कौन, प्रागभाव और प्रध्वंसभाव, भूतकाल की असफलता को रोना नहीं, अब भूल भविष्यकाल की सफलता के सपने ही मत देखते रहेगा, बराबर है, बहुत बढ़िया चर्चा हो गई, आगे चलें, चलें आगे, अब कितने आगे चलें, टाइम तो होएगा है ना, समझे जरा, तो एक अंतिम अंतिम चलते चलते एक बात कह रही, सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत फास्ट पढ़ा दिया हमने, ये समझे 4-6 घंटे का मटेरियल 1 घंटे में दे दिया आपको, क्योंकि हमें पढ़ाना तो था, लेकिन आप विचार सी लो, आप विचार करना, गड़े मुर्दे कभी नहीं उखाड़, इससे आपका घर बर्बाद होता है, भविष्य बर्बाद होता है। मैं आपको छोटी छोटी घटनाएं सुना के बताऊं आपको, आप कभी जिंदगी में
अपने परिवार में जो भी बेटा है, बहू है, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, पड़ोसी हैं, जो भी है अपने आसपास, ये सब आपके पुण्य के उदय की सामग्री है। नंबर एक, आप शिकायत करोगे ना तो आपका पुण्य बर्बाद हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियों में आपकी समाधि बिगड़ रही है। यदि आप अपने बच्चे से बहुत संतुष्ट नहीं हो तो आपकी समाधि नहीं होगी इस घर में, ये समझ लो आप। और गलती छोटी छोटी होती, गलती बिल्कुल छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी। मैं फिर कहता हूं, हम बड़ी वर्ग के लोग हैं, मैं नहीं समझता कोई हैंड टू माउथ होगा, सब संपन्न है लगभग, बहुत अच्छी स्थिति में होंगी। लेकिन छोटी एक सोच छोटी होती, छोटी सोच, जैसे घर में बहू भोजन करने बैठी, अब आखिरी में खा रही तो चावल ठंडे हो जाते, दाल ठंडी हो जाती, रोटी ठंडी होती है, सास थोड़ा सा प्रेम रखे ना, बेटा तुम रोटी पहले खा ले। हमारी दादी थी, हमारी दादी और मम्मी हमारी, मैंने सास बहू, सगी बेटी जैसे रही, माँ बेटी जैसे रही, कभी मतलब हमारी मम्मी ने सासू की, मैंने हमारी दादी की बुराई नहीं करी कभी, मेरे से किसी से नहीं की, मेरे से भी नहीं की तो किसी से तो क्यों करी। मेरी दादी की इतनी अच्छी आदत थी, वे मंदिर से आती थी और 9:30 बजे सबसे पहले मेरी मम्मी को रोटी खिलाती थी, खुद रोटी बनाती थी, दाल सब्जी गर्मा गर्म, दाल चावल रोटी सब्जी सबों को गर्म गर्म खिलाती थी। तो हमारी मम्मी की तो नई नई थी, शादी होके आई थी, मैं गोद में था, तो उन्हें बड़ा संकोच होता था, नई नई बहू को संकोच होता है कि सास ससुर भूखे नहीं और अपन 9:30 बजे खा लो, और वो भी सास बना के खिलाए, तो उन्हें बड़ा संकोच होता था, मना करती थी। तो हमारी दादी एक बात कहती थी, देखो बेटा हमने तो मुझसे 15 मिनट आधा घंटा रोटी बनाई, बाद में तो पूरी रोटी बना दी, पर आखिर खाने बैठे तो सब ठंडी दाल चावल यहाँ तो भाए नहीं, और गोद में बच्चा है, बच्चे की माँ को भूखा नहीं रहना चाहिए, पहले खा लो। तो फिर सास ससुर अब उनसे हम क्या देंगे, हमारे पिताजी को और हमारे दादा को, ग्रैंडफादर को, उनने कह दिया हम तेरे पहले खुआएंगे रोटी, तुम्हें आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। इतनी सी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है समझो। इस वजह से हमारी मम्मी को कभी ठंडी नई चीज खानी पड़ी, अच्छे जब भी खाने बैठे ले बेटे घी ले ली, चावल ले ली, दूध ले ली बेटे, अच्छे से खा पियो, इतना सा प्रेम। मुश्किल है कि पूरी जिंदगी में 10-50 प्रसंग बने होंगे इस तरह से, लेकिन वो जीवन भर के लिए याद आती है। समझ गया वो इशारा क्या कह रहे हैं। अब उल्टा दृश्य चलो, बहू का घर है, अब कमाने वाला उसका पति है, वो खाने बैठी, अब सास देख रही, देख घी डाल रही कि नहीं डाल रही, पूरा कही आप घी डाल ना, देख खावे नहीं मिलो, तो पियर में कहूं खाओ नहीं पी, उल्टी उल्टी बात करे। अब खा लो ही माने, हो जबरन बात करने से फायदा क्या, वो गड़े पड़ता हूँ गाड़ने से, होना ये चाहिए आकर और एक चम्मच भी डाल दे, ले बेट अच्छे से खा। इस प्रेम में आपकी समाधि की सुरक्षा हो गई। बहू को दूध दो तो मलाई डाल दी पहले से, 50 पैसे की मलाई पड़ेगी मुश्किल से, लेकिन बहू के दूध पीते से मलाई मुंह में आएगी तो सास को इतनी धन्यवाद देगी, कितनी बढ़िया सास मिली, अब तो मलाई फूगी। अब वो भी संगी पंची अंदरी है, उसे समझ में आ गई, देखो हमारी सास क्या कर रही, समझ में तो आ गई। अब इतने से हमें तुम्हारी समाधि में कर रही, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मेरे समाधि मन के प्रवचन है, उसमें मैं कहता हूं जैन समाज में मुझसे से 25 से 50 पैसे में समाधि बिगड़ जाती है, बड़ा आम और छोटा आम, बड़ा आम अपन ने ले लिया, छोटा आम बहू को पकड़ा दिया। अब जबकि पूरे आम छांट के लाए, पूरे ही आम छांट के लाए, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन फिर भी एक नियत होती है, छोटा हो 5 ग्राम छोटा उसे पकड़ा दिया, 5 ग्राम बड़ा अपन ने खा ला, 5 ग्राम की कीमत कितनी भाई, 50 पैसे मुश्किल से, लेकिन वो बहू समझ गई, देखो देखो अब समझ गए आप क्या गड़बड़ हो रही, छोटी छोटी गलती बताई मैंने आपको, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, इनको साफ करना सीखो, और गड़े मुर्दे उखाड़ने में मैं आपको क्या कहूं, यदि मैं करना नहीं पड़ाऊ ना गड़े मुर्दे उखाड़ने में तो नाम कर्म बिगड़ता चला जाता है, नाम कर्म में सुंदर से चेहरे की रचना खत्म होती है, जो लोग बुराइयां करते हैं उनके चेहरे खराब हो जाते हैं, आप किसी को भी देख लेना, जब भी बुराई करते ना बुराई, हाओ हम कहा बता तेरे साल देखो ये ऐसी है, देखो सकल देखो कैसी हो रही, समझ गए थोड़े में सारा,
कभी किसी की बुराइयां गड़े मुर्दे फाड़ने की जरूरत। फिर से बोलू, यदि हम तुमसे कहें बेटा कब्र खोदो और जब उनसे गड़ो मुर्दा निकालो तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। कपड़ा बांध दोगे, ऐसे करोगे, ऐसे निकालोगे, अच्छा नहीं लगता। माने बहुत बुरा लगता है, बदबू आती है गड़े मुर्दे उखाड़ने में। ऐसे ही सच कह रहे, भूतकाल की किसी की निंदा प्रशंसा के चक्कर में मत पड़ो। शिक्षा तो लो लेकिन निंदा प्रशंसा के चक्कर में अपने घर बर्बाद मत करो, अपना परिवार बर्बाद मत करो। और अब यहां कहें तो अपनी समाधि और सम्यक रत्नत्रय और भविष्य का मोक्ष बर्बाद मत करो। इतनी सारी शिक्षाएं कौन से सिद्धांत ने दी बेटे? आज प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव, नाम याद हुआ किसी को? प्रागभाव और वर्तमान पर्याय का, भूतकाल की पर्याय में अभाव, इसका नाम प्रागभाव। और वर्तमान पर्याय का, वर्तमान में जीना सीखो। एक लाइन में कहें तो वर्तमान में, पता नहीं बुंदेलखंड में बोलते हैं उलाद शब्द, बोलते हैं उलाद, बोलते हैं ना उलाद, समझते हैं उलाद? हाँ, बहुत जल्दी। मैंने महिलाओं की ऐसी आदत होती है, मैं बाथरूम में नहा रही होंगी, जल्दी करो मंदिर जाने, मंदिर जाने, मंदिर जाने, और मंदिर में जल्दी करो रोटी बनाने, रोटी बनाने। मैंने जहां रहो शांति से रहो, हमें कहना। मैंने नीचे रहते ना, नीचे समय शिखर जी में, जल्दी करो ऊपर जाने, ऊपर जाने, ऊपर। और पारसनाथ जी चौक, जल्दी करो नीचे जाने। गलत कह रहे हैं तो बोलना। मैंने सब जानो वो पारसनाथ की टॉप पे जाने की पड़ती है, और सबसे आगे ही पहुंचते, और भाई सबसे ज्यादा लगती है। चलो भाई जब चलो मुझे, चलो मुझे। यदि कोई महिला बैठ के आधा घंटा बैठ जाए, बैठ के देखना, चलो बैठ के देखना, तो सबको यहां से लगेगा। अब फिर जल्दी जल्दी अभी नीचे उतरे, लेकिन लड्डू खत्म हो गए रास्ता में, जितनी गुस्सा आज इनके मारे लड्डू अच्छे थे। कुछ कहा मैंने बेटे, वर्तमान में जीना सीखो। हम ये नहीं कह रहे हैं पांच मिनट बैठो भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने, क्या नाम, शास्त्र पढ़ो, दस मिनट पढ़ो, माला फेरो, लेकिन वर्तमान में जीना सीखो। फिर निर्णय करना भूत भविष्य सोचने से फायदा क्या है? पांच मिनट की माला एकाग्रता से फेरो, पांच मिनट आत्मा का ध्यान करो एकाग्रता से करो, आपको सफलता मिल जाएगी। मेहनत तो है थोड़ी इसमें, क्योंकि आप देखने जब भी आप बैठोगे तो या तो भूतकाल के विचार हैरान करेंगे या भविष्यकाल के विचार हैरान करेंगे करेंगे। लेकिन आपको ये सिद्धांत यदि समझ में आ जाएगा तो थोड़ी लड़ाई तो चलेगी अंदर अंदर। माला क्या फहमी है? हमें वर्तमान में जीना सीखना है, बस वर्तमान में रहो, आनंद करो। अब जो होगा तो होगा, आप क्या कर लेंगे बताओ? वर्तमान का आनंद करेंगे। इसी भावना के साथ अभी विराम लेंगे। ओम नमः शिवाय।